बेगूसराय भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक किरतौल स्थित श्याम बीएड कॉलेज के परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस कार्य समिति के मौके पर संपूर्ण बेगूसराय जिले के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला कार्य समिति के सदस्य एवं जिला पदाधिकारी मौजूद हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके गांव तक कैसे पहुंचे, इसकी विस्तृत चर्चा और रूपरेखा पर चर्चा कार्य समिति की बैठक में की गई। प्रदेश में कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है। यह 45 संगठनात्मक जिलों में 41वीं बैठक थी और सभी कार्यकर्ताओं से जहाँ हम लोगों ने संगठन के कार्य करने का अनुरोध किया, वही FPO और PMEGP और विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं से उनके गांवों में कैसे लाभ पहुँच सके, इसकी भी विस्तृत चर्चा और इसकी एक पूरी रूपरेखा संगठन की और केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं के लाभ उनके गांव तक कैसे पहुंच सके, इसकी विस्तृत चर्चा आज जिला कार्य समिति की बैठक में हुई। अच्छा, बिल्कुल बहुत दुखद घटना है और कार्रवाई होनी चाहिए। हर हालत में जो भी दोषी हैं कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं यह पूरी घटनाक्रम जो है वह उसकी एक उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा कार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत करना है यह है और आज NDA का हिस्सा NDP है और NDA के हिस्से के तरफ से पशुपति पारस जी को मंत्री बनाया गया, उनको मैं बधाई देता हूँ। चिराग पासवान लगातार NDA में गोविंदपुर में शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री के लिए नारेबाजी की गई, जिसके क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता को कोई पद नहीं मिलता है, भाजपा को दायित्व, पार्टी में कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है। जिसको जो दायित्व मिला है वह अपना कार्य कर रहा है, इससे अलावा किसी की न कोई इच्छा है और न कोई कार्य उस दिशा में करता है। देखिए, दीवा स्वप्न देखने में कोई रोक नहीं है। माननीय हमारे नेता विरोधी दल की आदत है इस तरह से करने की। अभी हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में जिस तरह का गलत काम विधायकों ने किया है वह कभी भी लोकतंत्र के इतिहास में नहीं मिलता है। आसन पे जाकर के झगड़ा करना, आसन से कागज छीन लेना और उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। तो माननीय विरोधी दल के नेता जी का दिवा स्वप्न है बिहार, वह अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। बिहार की जनता ने इस बार भी सबक सिखाया और आगे भी उनको सबक।